चैनल प्लैनेट इज गर्ल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने, और लंच में आज मैं बना रही हूँ मटर का पूरी, मटर का पराठा, हरी मटर जो होती है ना उसका पराठा बना रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहें, और चलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी अच्छे से शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ गाइज मेरे ब्लॉग पे बने रहें और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखें, और अपना ढेर सारा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कुछ नहीं हो जाता, सो प्लीज़ कर दिया करिए। मिलते हैं आप लोगों से किचन में। गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और मटर की पूरी बनाने के लिए मटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से अपनी मटर सारी छिल लेती हूँ, और इसमें मैं आलू भी डालूँगी। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं एक आलू यूज़ करूँगी बाइंडिंग पर्पज़ के लिए, वो सही होता है, बट अगर आप ना चाहें तो आप ना भी डालें, इट्स डिपेंड ऑन यू। और चलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना मटर छिल लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइज मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा और मेथी का सबसे पहले तड़का दे दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन और मिर्च पतला पतला सॉरी कटा हुआ। उसके बाद मैं ये आलू ऐड कर दूँगी, इसमें आलू और मटर ये दोनों ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ हल्दी और अपने स्वाद के हिसाब से नमक, बस यही पता है। नमक थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि आटे की बाइंडिंग है, आटे में इसको डालना है ना, सॉरी, तो फिर इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालें। और देखिए अभी मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, और देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है। बस अब इसे मैं जल्दी से अपना मैश कर लेती हूँ, और मैश करने का सबसे अच्छा तरीका बिना मिक्सर यूज़ किए हुए, गरम गरम जब ये रहता है ना मिक्सर, तो बस इसको ऐसे ही करके दबा दबा के कर लें, और काफ़ी अच्छा सा हो जाता है। विदाउट मिक्सर ही ये रेडी हो गया, देखिए ये कितना सही सा रेडी हो गया है। अब इसको मैं फिल कर लूँगी आटे में, बस रेडी है मेरा। और ये देखिए गाइस मेरी टेस्टी सी चटनी, मुझे खट्टी चटनी बहुत पसंद है, तो मैं इसमें धनिया टमाटर और हल्का सा भरा मिर्च यूज़ की हूँ। देखिए अब मैं इसको आटे का ऐसे कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं अपनी फिलिंग को ऐड कर दूँगी, और बस इसको गोल गोल करके इसका मुंह बंद करना होता है। ये तो मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है, तो बस ऐसे गोल गोल कर लूँगी देखिए। और अब मेरा पराठा रेडी हो रहा है, चलिए मैं गैस जल्दी जल्दी अपना पराठा रेडी करती हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से लंच टाइम पे। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ भूख लगी होती है, बनाने में लेट होता है। देखिए गाइज मेरा लंच रेडी हो गया है, चलिए मैं अब लंच करती हूँ। बहुत तेज़ से भूख लगी है, बनाते बनाते इतना लेट हो जाता है ना कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी होती है। तो चलिए मैं जल्दी से लंच करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइज अभी रात हो चुकी है और अप्रॉक्सिमेट 10 बज रहा है रात का, और मेरा डिनर वगैरह सब हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने सब धुल लिया है, सारा काम हो चुका है। और लंच के बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, और अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है। एक्चुअली मैं ना थोड़ा आज बहुत ज़्यादा काम था, और वो सारा काम करने लगे थे, इम्पोर्टेंट काम थे, कुछ वीडियो वगैरह देखना था, अपलोड करना था एक्चुअली, तो वो सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया, वो थोड़ा दूसरी चीज़ से रिलेटेड था, तो वो सारा काम करने लगी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर शाम हो गई थी, फिर घर से फ़ोन वगैरह आ गया था, तो फिर उन लोगों से थोड़ा बातचीत होने लगा था, तो इसलिए काफ़ी टाइम बीत गया और पता भी नहीं चला समय कितना जल्दी बीत गया। और अभी मैं आई हूँ सारा काम करके, अब चलिए गाइस क्या कर सकते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बहुत छोटा सा ब्लॉग आई होप ये जाएगा, बट कोई नहीं गाइस, फिर भी आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, और प्लीज़ मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दें गाइस। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं, जितने से भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी नहीं देखते, और जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें और अपना अच्छा वाला ध्यान रखें और खुश रहें। और बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल सो मच।